कांग्रेस इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी है, सीटों का तालमेल उसकी रजामंदी के बिना मुमकिन नहीं है, लेकिन 28 पार्टियों वाले गठबंधन को साथ लेकर आगे बढ़ना भी बड़ा चैलेंज है। लिहाजा कांग्रेस सहयोगी दलों के साथ रोज बैठक कर रही है। कांग्रेस के नेशनल अलायंस कमेटी ने आज बैठकों की शुरुआत महाराष्ट्र के सहयोगियों के साथ की थी। दिन की शुरुआत कांग्रेस की तरफ से बैठक में मुकुल वासनिक, सलमान खुर्शीद, अशोक गहलोत, अशोक चव्हाण थे। इनके अलावा महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बालासाहेब थोरात थे। एनसीपी के शरद पवार गुट की तरफ से इस बैठक में जितेंद्र अभाड शामिल हुए। अभाड को टफ नेगोशिएटर माना जाता है। हाल ही में भगवान राम पर टिप्पणी के चलते वो विवाद में रह चुके हैं, जबकि शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट से दो सांसद संजय राउत और विनायक राउत इस बैठक में शामिल हुए। इन तमाम नेताओं ने करीब 3 घंटे माथापच्ची की, लेकिन अलायंस की सीट शेयरिंग के फाइनल फॉर्मूले तक पहुंचने में भी वक्त लगेगा। इसकी वजह तो यही हो सकती है कि सीटों की संख्या भी तय नहीं होती है। दूसरी वजह यह कि इस बैठक में शामिल इंडिया अलायंस की दो पार्टियां एनसीपी शरद गुट और शिवसेना उद्धव गुट के नेता दो सुर में बात कर रहे हैं। आपको दोनों की बात सुनवाते हैं, उससे बड़ी तस्वीर साफ होगी। मीटिंग चालू है, उसका नतीजा जो निकलने वाला वो बहुत ही अच्छा निकलेगा, कोई शंका नहीं उसके बाद। हमने ये बात रखी है कि हमको प्रकाश अंबेडकर साथ में चाहिए ही। कोई अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ, जब फाइनल होगा तब बड़े नेता आपको आके बताएं। ये पूरे संघर्ष का जो दौर चल रहा है उसमें हम सब एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे, एक साथ चुनाव लड़ेंगे और महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य बनेगा जहां ज्यादा से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन के हम चुनकर लेके आएंगे। हमारे में कोई मतभेद नहीं है सीट शेयरिंग में, सभी सीट पर 1-to-1 बात हो गई है और लगभग हमारी सबकी सहमति उस पर हो गई है। बोलिए। तो दोनों अलग अलग बात कह रहे हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीट है, सीटों की संख्या के लिहाज से ये उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन इंडिया अलायंस में सीटों की खींचतान के लिहाज से पहले नंबर पर है। शिवसेना के उद्धव गुट ने आज बैठक शुरू होने से पहले ही साफ कर दिया था कि वो 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। संजय राउत ने बैठक शुरू होने से पहले क्या कहा था, मैं आपको वो सुनवाता हूं, सुनिए। हमेशा महाराष्ट्र में शिवसेना का कदम हमेशा बढ़ा रहा है। शिवसेना हमेशा 23 सीटें महाराष्ट्र में लड़ती आई है और 18 सीटें जीतते आई है। 18-19 सीट हमारी हमेशा, हम सांसद में हमारे सांसद होते हैं तो जरूर हमारी ये भूमिका रहेगी कि जो सीटें हमारे पास थी और हम जीत गए, वो हमारे गढ़ है, वहां सिर्फ शिवसेना ही जीत सकती है। देखिए जरा इसको ऐसे समझिए, शिवसेना 23 सीटों पर दावा कर रही है और 18 से 19 सीट जीतने की बात कर रही है। शिवसेना की इन बातों में कितना दम है ये समझना बेहद जरूरी है, लेकिन 2019 के चुनाव में महाराष्ट्र में किसने कितनी सीट जीती थी और अब किसका क्या हाल है, इसे मैं आंकड़ों के जरिए आपको समझाता हूं तो तस्वीर और ज्यादा साफ होगी। देखिए महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीट है, इनमें से बीजेपी ने सबसे ज्यादा 23 सीट जीती थी। उसके सांसद उसके साथ है, 18 सीट जीतकर शिवसेना दूसरे नंबर पर रही, लेकिन इनमें से 12 सांसद शिंदे गुट के साथ है और उद्धव गुट के पास सिर्फ 6 सांसद बचे हैं। 2019 में एनसीपी ने 5 सीट जीती थी। यह पार्टी भी शरद पवार की अजित पवार के बीच में दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। अजित पवार के साथ 3 सांसद हैं, जबकि शरद पवार के साथ सिर्फ 2 सांसद बचे हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट से संतोष करना पड़ा था। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी 1 ही सीट जीती थी और निर्दलीय उम्मीदवार ने भी 1 सीट जीती थी। तो यह पूरी तस्वीर वहां की साफ तौर पर निकलकर सामने आती है। जो कांग्रेस आज इंडिया अलायंस में बड़े भाई की भूमिका निभाने की कोशिश कर रही है, महाराष्ट्र में 2019 के लोकसभा चुनाव में वो शून्य पर सिमटने से बड़ी मुश्किल से बची थी और शिवसेना 18 सीट जीतकर दूसरे नंबर पर रही थी, लेकिन शिवसेना ने यह कमाल तब किया जब वो बीजेपी के साथ थी और एकजुट थी, लेकिन अब वो दो हिस्सों में बंट चुकी है। एकनाथ शिंदे पार्टी का नाम, निशान और ताकत लेकर अलग हो चुके हैं। सवाल यह है कि बदले हालात में शिवसेना के पास कितनी ताकत बची है।
शिवसेना और राष्ट्रवादी के विभाजन के बाद जो महाविकास आघाड़ी है उनको कहीं ना कहीं सेटबैक तो बैठा है, लेकिन ये दोनों पार्टियों के एमएलए एमपीज बाहर जा चुके हैं, लेकिन पार्टी का काडर और पार्टी का जो वोट बेस है उसमें वर्टिकल स्प्लिट नहीं आया है। तो शिवसेना आज भी उतनी मजबूत है ऐसे कहना तो मुश्किल है, लेकिन एक है कि जितनी क्षति उनको इतने एमएलएज और एमपीज जाने के बाद भी हो सकती थी उतनी क्षति होती हुई नजर नहीं आती है। तो कहीं ना कहीं ये पार्टी अपना थोड़ा तो बेस खो चुकी है लेकिन अभी भी अपना वजूद बनाए हुए है। देखिए यही वजह है कि शिवसेना 23 सीटों वाली डिमांड पर अड़ी है, लेकिन गठबंधन कभी जिद से नहीं चलते। शिवसेना ने अगर इसी तरह अड़ी रही तो कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी के लिए सिर्फ 25 सीट बचेगी। पवार इस गठबंधन में प्रकाश अंबेडकर की बहुजन वंचित आघाड़ी को भी शामिल करना चाहते हैं। सवाल यह है कि उसे कितनी सीट मिलेगी। जाहिर है गठबंधन में सीटों पर टकराव के तमाम नुक्ते बचे हुए हैं, इसलिए कांग्रेस ने सीट शेयरिंग पर एक अलग फॉर्मूला बनाया है। यह है 2020 का फॉर्मूला। इसे अब जरा आंकड़ों से समझिए। कांग्रेस महाराष्ट्र में 20 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। यह उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 20 सीट देना चाहती है। शरद पवार के एनसीपी के लिए उसने 6 सीट निर्धारित की है और प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी को 2 सीट देना चाहती है। महाराष्ट्र में कौन सी पार्टी कितनी सीट और किस सीट से लड़ेगी, इंडिया अलायंस की बैठक में आज ये भले ही तय नहीं हुआ लेकिन कांग्रेस का फॉर्मूला लागू हुआ तो शिवसेना को उसके डिमांड से 3 सीट कम मिलेगी। इस पर शिवसेना राजी होती है या नहीं ये तो उद्धव ठाकरे जानते हैं, लेकिन कांग्रेस के फॉर्मूले के पीछे बड़ी वजह बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि यह प्लान उसने बीजेपी को काउंटर करने के लिए बनाया है। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर दीपक रावत ने इसकी पूरी डिटेल जुटाई। महाराष्ट्र में कांग्रेस अगर अपने लिए 20 सीटें चाहती है तो इतनी ही सीट वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना को देने के लिए भी तैयार हो गई है। इसके पीछे की बड़ी वजह ये कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना भले ही टूट गई हो लेकिन कांग्रेस को ये लगता है कि बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड को अगर कोई काउंटर कर सकता है तो वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना ही है। वहीं प्रकाश आम्बेडकर की पार्टी को भी 2 सीट देने की तैयारी की जा रही है, वो इसलिए ताकि दलित वोट बैंक को साधा जा सके, लेकिन ये तब संभव हो पाएगा जब शरद पवार कम सीट पर चुनाव लड़ने के लिए मान जाएंगे, लेकिन शरद पवार को मनाना इतना आसान नहीं होगा। अब देखिए जरा इसको इस तरह से समझिए, कांग्रेस को लग रहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी को काउंटर करने के लिए शिवसेना का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बीजेपी ने शिवसेना के अतीत और वर्तमान का जिक्र कर इसे हवा में उड़ा दिया। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस का प्लान उसी को भारी पड़ने वाला है। जिस दिन उन्होंने कांग्रेस के साथ समझौता कर लिया उस दिन ही उन्होंने अपनी शिवसेना को सोनिया सेना बना लिया। कांग्रेस उद्धव ठाकरे को कितना भी अपना मोहरा बनाए, कोई भी कट्टर हिंदूवादी हिंदुत्व में विश्वास रखने वाला शिवसैनिक उद्धव के साथ नहीं जाएगा, इसलिए हिंदुत्व का उनका यह कार्ड विफल रहेगा। देखिए बीजेपी भले ही इंडिया अलायंस पर निशाना साध रही हो लेकिन सीटों का पेंच एनडीए में भी फंस सकता है। बीजेपी ने 2019 के चुनाव में महाराष्ट्र में 25 सीट पर उम्मीदवार उतारे थे और 48 में से 23 सीट जीत ली थी। वो इस बार भी 25 सीट पर दावा ठोक सकती है। ऐसे में उसके सहयोगी एकनाथ शिंदे और अजित पवार के लिए सिर्फ 23 सीट बची। सवाल यह है कि जिन दलों ने बीजेपी को दोबारा सूबे की सत्ता में पहुंचाया है क्या वो इसके लिए आसानी से राजी हो जाएंगे? बिल्कुल निश्चित तौर पे बीजेपी के लिए भी सीटों का बंटवारा इतना आसान नहीं होगा क्योंकि अब अगर आप देखें तो शिंदे गुट के साथ जो 14-13 अब सांसद शिवसेना के आए हैं वो 13 सीट तो वो मांगेंगे। इसके अलावा जो और जो 4 सांसद हैं उनका कहना है कि हम ही असली शिवसेना है तो उन सीटों पर भी वो मांगेंगे। जहाँ तक अजीत गुट का दावा है कि अजीत गुट के साथ जितने सारे सीनियर्स लीडर्स आए हैं तो वो भी अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में अपनी अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहेंगे। तो बीजेपी के लिए भी सीटों का बंटवारा इस बार इतना आसान नहीं होगा। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे की चुनौती बीजेपी के आगे भी है लेकिन दिख नहीं रही, जबकि इंडिया अलायंस में सीटों के लिए खुलेआम ताल ठोकी जा रही है और जिस अंदाज में ठोकी जा रही है वो कम से कम अच्छे संकेत तो नहीं दे रहे।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।